कृष्ण ही। प्यारे प्यारे भवात्माओं, कुंद कुंद स्वामी की वाणी के माध्यम से, रयणसार ग्रंथ के माध्यम से हम अपने जीवन को एक जीने की कला सीख रहे थे। क्योंकि बंधुओं, अगर आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह रयणसार ग्रंथ का आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। जब तक आप इस रयणसार ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करोगे, अपने जीवन में समझने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक कभी आपका जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं, हमने आपको बताया था, एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीव सभी सुखी चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सुख का प्रयास, लेकिन सुख चाहते हुए भी, लेकिन सुख के लिए क्या हमारा पुरुषार्थ रहता है क्या? जहां हमको सुख मिलना है वहां पर हमारी दौड़ है क्या? नहीं। जहां हमारे पाप का बंध होता है वहां पर हमारी दौड़ लगी हुई है, हम भागते चले जा रहे हैं। जो मालूम है कि इससे अनेक पाप का बंध होना है, इसके कारण से हमारा अहित होना है, तो भी भवात्माओं, फिर भी आप जानते हुए भी और आपकी दौड़ वहीं चल रही है। लेकिन कैसे कर्तव्यनिष्ठ, किसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ, कहां हमारा हित है और कहां हमारा अहित है, इसका भी विवेक होना चाहिए। ऐसा नहीं हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, नहीं। इसके लिए भी श्रावक को सबसे पहले विवेक कह दिया। हमने आपको बताया था, दाता के सात गुण होते हैं, आहार भी देते हैं, तो पहले दाता के सात गुण होना चाहिए। जब दाता के सात गुण आपके अंदर हैं, तब जाकर के तुम आहार दान देने के पात्र हो। अगर विवेक नहीं है, इस सात दाता के गुण नहीं है, तो आपको आहार नहीं देना चाहिए। पहले अपने आप से परिचय करो। परिचय करने की जरूरत है। जब तक हमने कहा परिचय नहीं, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। यही पंक्ति याद आती है कि जब हम पहले दोषों को जानो, हमारे अंदर कौन कौन सी कमी है, उन कमी को देखो, विवेक लगाओ, और जब उन कमियों को देखेंगे तब अपना सुधार होगा। और नहीं तो बंधु, कोई कितना भी कहता रहे, हम वही 300 की मूर्ति तो बने ही हैं। हम इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। नहीं, हमें अपने जीवन को, क्योंकि बंधु वास्तव में ये समय जो निकल गया, ये समय वापस आने वाला नहीं है। कितना भी कर लो, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। इसलिए हर क्षण हर पल आयु हमारी छीण होती जा रही है, आयु हमारी घटती जा रही है, लेकिन हमें क्या करना है यह हम अभी तक सोच नहीं पा रहे हैं। तो चलते हैं अब 27वीं गाथा में। कुंद कुंद स्वामी क्या समझा रहे हैं, किस तरह से आपको विवेक के बारे में, अभी कर्तव्य के बारे में बताया था, अब विवेक पूर्वक कैसे आहार देना। ऐसा नहीं उठाया और दे दिया, एक गिलास उनसे छीना ले लिया, वो दे रहे उनसे झपटा और दे दिया, नहीं। देखिए 23वें नंबर की गाथा में देखिए, आचार्य महाराज आपका ही वर्णन चल रहा, अभी साधुओं का वर्णन नहीं चल रहा, अभी आपकी ही दिशा को बदल रहे हैं। क्योंकि जब आपकी दिशा बदल जाएगी
तो बंदो, फिर तो साधुओं को कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। इसलिए चलो देखते हैं 23वें नंबर की गाथा। सी द्रुण वाऊ व्यूलम सिले सिमिम सिले सिमम तह परी संवाहिम काय किले सुवासम जाजुणिज्ये दीर्णय दानम। सी दुर्ण वाऊ व्यूलम सिले सिमम तह परी संवाहम काय किले सुवासम जाणिज्ये दीर्णये दानम। से अब हम पूरी पढ़ेंगे फिर आप पढ़ेंगे। सी दुर्ण वाऊ व्यूलम सिले सिमम तह परी संवाहिम काय किले सुवासम जाणिज्ये दीर्णये दानम। फिर से पढ़ो, तेज से पढ़ो, हमको भी तो सुनाई पड़े कहाँ गलत बोल रहे हो। बहुत सुंदर। यहाँ कहते हैं आचार्य महाराज आहार दान में विवेक की बात करते हैं कि हमें कहाँ विवेक कैसे देना चाहिए, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सुपात्र के दान देते हैं सुपात्र को, तो हमारे अंदर विवेक होना चाहिए कि साधु को हम कैसे आहार देते हैं। तो शीत दुहणम यानी शीत और उष्ण काल में वायव्युलम सिलेसिमम यानी वात पित्त और कफ परिसमम परिश्रम तह माने तथा वाहिम यानी व्याधि काय क्लेशु वाशम यानी काय क्लेश यानी उपवास जाणिच्चा यानी जानकर दानम यानी दान दृण दे दृण ही यानी दिया जाता है। अचेन महाराज कह रहे हैं कि हे बब्ब जीवो, अगर तुम साधुओं को आहार दे रहे हो, आपको अपना जीवन सुखी बनाना है, तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि शीतकालीन चल रहा है, उष्ण काल चल रहा है, कौन सी ऋतु में कैसा आहार मुनि को देना चाहिए, ये अपना विवेक होना चाहिए। अब सर्दी का समय है, आपने लिया और ठंडा ठंडा पानी चला दिया, ठंडा ठंडा जूस चला दिया, तो वह दान दिया हुआ वह आहार क्या करेगा? साधु की साधना में थोड़ा तो व्यवधान आएगा। वो कभी कभी ऐसा होता है किसी की उष्ण प्रकृति होती है, किसी साधु को कोई बीमारी आदि होती है, तो हो सकता है उनको ठंडा जूस ठंडा दूध की ही आवश्यकता होती है। तो पहले विवेक पूर्वक पहले विवेक लगाओ कि हमें कहाँ उष्ण काल है, अब गर्मी का मौसम है, वो तुमने लिया गरम गरम अच्छा खोलता पानी वो दे दिया। अरे गर्मी का मौसम चल रहा है और इतनी तेज गर्मी पड़ रही है और हे श्राप को साधु इतना चल करके आता है, इतना परिचय करता है और तुमने लिया खोलता हुआ पानी दे दिया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि श्रावक अगर साधु पानी जल आदि दूध आदि जो भी लेते हैं तो इतनी जल्दी से उनको देने की पड़ती है, उठाया और दे दिया। कभी कभी इतना गर्म होता है कि तुरंत नीचे गिराना पड़ता है, साधु नीचे गिराता है उसको भी प्रायश्चित लेना पड़ता है।
लेकिन आपने वो कहो, दूसरा कोई कहता है कि भाई साहब देख के दो, माताओं से कहते हैं कि थोड़ा दे के, आपने दिया था तो हमने दे दिया। अरे हमने तो दिया है, उसने दिया है, लेकिन आपका विवेक कहाँ गया? आपको भी तो पात्र आप पकड़े हो। कहते हमको तो गरम लग रहा था, हमको समझ में आ रहा था कि ये गिलास गरम लग रहा है, लेकिन उनने दिया तो हमने दे दिया। अरे ये कैसा, तुमको गरम लग रहा है, उस साधु को तुमने दे दिया, एक बार पूछना भी तो चाहिए, देखकर देखना भी तो चाहिए। थोड़ा सा आप थाली में डाल करके ठंडा भी कर सकते हो। कहने का तात्पर्य बंधु, इसलिए कहते हैं आचार्य महाराज, कहते हैं शीत या उष्ण काल ऋतु में मुनि की प्रकृति मानी उनकी बात पित्त कफ प्रधान है, कैसा उनका चल रहा है, कौन सी उनको परेशानी हो रही है, अथवा गमनागमन करके यानी विहार आदि करके आए हैं, या अथवा ध्यान आसनों में होने वाले परिश्रम, रोग, काय क्लेश, तप और उपास आदि का विवेक रखते हुए जान करके जो श्रावक आहार देता है उसका दान का फल मिलता है। कहने का तात्पर्य बंधुओं, ये आपको पूछना चाहिए कि पता करना चाहिए कौन से साधु को कैसी परेशानी है, कहीं ऐसा तो नहीं इनका पित्त ज्वर हो, इनको कफ की बीमारी हो, इनको आदि आदि जो बीमारी होती है, पहले आपको पता करना चाहिए, फिर उस हिसाब से आहार बनाना चाहिए, फिर आहार देना चाहिए। ऐसा नहीं माता जी हम आपको औषधि ला दें, जुकाम हुआ है तो दवाई ला दें आपके लिए, ये बना दें, कहोगे तो साधु लेगा नहीं, ये विवेक होना। अरे ले या ना ले आपको तो देना चाहिए, आप बना करके लाओ, क्या करते माता जी, साधु लेते नहीं हो आप लोग, साधु संत लिए नहीं तो हमने सोचा कि हम नहीं ले जा रहे, फालतू में कौन बना के ले जाए। ओहो कौन बना करके ले जाए, कैसा तुम्हारा विवेक, कैसे तुम्हें पुण्य मिलेगा। इसलिए कहते हैं कहीं भी कभी साधु हो सकता है उनके लंबे लंबे उपवास चल रहे हैं, अब हमें विवेक की हमें इन उपासों के बाद क्या आहार चलाना, नहीं हम तो ग्रास ही देंगे, कह दो कि थोड़ा सा जल ले लो, जूस ले लो, दूध ले लो, सब्जी दे दो, कुछ भी दे दो, नहीं हम तो ग्रास ही देंगे, बैठे रहेंगे हम, बिना ग्रास दिए नहीं जाएंगे। अरे ये सोचो साधुओं के इतनी लंबी तपस्या चल रही है, इतने दिन के उपास आदि चल रहे हैं, आपका एक दो दिन के उपास करते हो तो पहले आप काली लेते हो, जल्दी आप ठोस पदार्थ नहीं लेते हो, पतला पतला लेते हो, पाड़ना होती है, उस साधु को तो एक ही बैठक में सब कुछ लेना, उसमें उसको दूध भी लेना, जूस भी लेना, फल भी लेना, रोटी भी लेना, चावल दाल आदि जो आपने बनाया है वह भी लेना, क्योंकि दोबारा तो उनको मिलना नहीं है, फिर एक आहार के बाद फिर लंबे उपास। तो बंधुओं हमें आप श्रावक हो, इसलिए हमें श्रावक की क्रियाएं हमारे जीवन में पहले आना चाहिए, अगर विवेक नहीं है तो कुछ भी नहीं, किसी भी मार्ग में चले जाओ, अगर आपके अंदर विवेक नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए जल्दी जल्दी नहीं, आज जल्दी जल्दी देने की नहीं, पहले शोधन करो, दुर्घटना से देर भली। अगर तुमने उठाया लापरवाही से, जल्दी उठाया और आपने दे दिया, अब अंतराय आ गया, आपने तो इतने कह लिया महाराज को अंतराय हो गया, आज माता जी को पूरा अंतराय हो गया, उपास जैसा हो गया, आप तो चले गए, घर चले गए, लेकिन साधना किसको करनी है, किसको करनी है, साधु को करना है। ऐसा तो नहीं है कि आज आहार नहीं हुआ तो आज भूख लग रही है, आहार नहीं हुआ तो आज हमारा मन नहीं लगता क्रियाओं में, हम नहीं करेंगे, आज हम समय नहीं करेंगे, नहीं करना पड़ेगा।
चाहे तुम्हारी तबीयत भी खराब हो, आगम में मूलाचार में कहते हैं, सकल कीर्ति आचार्य महाराज लिखते हैं कि साधु के कंठ में भी प्राण आ जाए तो भी साधु दिन में नहीं सो सकता है। साधु को सोने का है ही नहीं। कंठ में प्राण आ जाए, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन सोचो कि अभी तकलीफ हो रही है, हम सो जाएं, तो साधु को निषेध आया है कि साधु दिन में नहीं सो सकता है। आप लोग आते हो माता जी, दिन भर बैठे रहते हो, थोड़ा सा विश्रांति कर लिया करो। हम मानते हैं आपकी भावनाएं को कद्र करते हैं, लेकिन क्या करें, हम लोगों को भी, हम लोग भी बंधे हैं, हम आगम के विरुद्ध नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अपने जीवन को क्या हमने क्या तो पा, देखो कहते छह छह महीने आहार नहीं, छह महीने तक योग धारण किए रहे, ध्यान अवस्था में बैठे रहे और छह महीने तक आहार विधि नहीं मिली, फिर भी मुख में मुखमंडल मलिन नहीं हुआ। धन्य है ऐसे योगीश्वर, कहते हैं तो उन्हीं के पगचिन्हों में तो चलते हैं। वो कोई बात नहीं, आज किस आज लग रहा है कि शरीर को, क्योंकि इष्ट उपदेश में कहा है यद जीव शुभकाराय तद देह सब कार्य काम और तद देह शुभकाराय यद जीव सब कार्य काम, कि अगर हम शरीर का उपकार करेंगे तो आत्मा का अपकार नियम से होना है, और आत्मा का उपकार करेंगे तो शरीर का अपकार होना है। ये तो निश्चित है। दो बगीचे मिले हैं,